अस्सलाम वालेकुम दोस्त, रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सभी मुसलमान भाई अच्छे होंगे। आज फिर से लेके आ गया हूँ हाफिज़ जी बहुत अच्छे शादी के बारे में। एक गरीब इंसान शादी कैसे करता है उसके बारे में हाफिज़ जी बयान किए हैं और बहुत अच्छे तरह से बताए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस बयान में बने रहिए। और दोस्त आइए बयान चालू कर देते हैं, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस्लाम भाइयों आइए चैनल वीडियो चालू करते हैं। नहीं मिल रहा था। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं बेचारे ऐसे ही काम की तलाश में घूमते हैं, लेकिन जी हाँ सही फरमाया, काम तलाश में घूमते हैं, काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग, हमारे माशरे में बहुत से लोग बेचारे जिनको काम नहीं मिल रहा कोई भी। काम मिलना मिलने पर इंसान दुखी बहुत हो जाता है, परेशान है, दुखी है। और जब कोई काम नहीं मिलता है, पैसे भी जेब में नहीं होते हैं, तो फिर दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। जी मेरे हजूर आपने सही फरमाया, आगे फरमाइए। अच्छा, जब पैसे होते हैं पास में फिर दिमाग भी काम करता है। जी हाँ सही फरमाया, दिमाग काम करता है, फिर अच्छे अच्छे आइडिया भी आते हैं, अच्छे अच्छे तरीके मालूम चल जाते हैं कि ये करेंगे तो ऐसे पैसा कमाएंगे, ये करेंगे तो ये इस तरीके से। जी आपने सही फरमाया, पैसा हो जाने के बाद बहुत अच्छे से अच्छे तरीका आता है कि पैसा अपना अच्छे जगह लगाकर अच्छे से इनकम करेंगे। वो बेचारा बहुत ज्यादा गरीब था, काम की तलाश में निकलता था, फिर वापस आ जाता था, निकलता था, अब काम मिलता नहीं था तो क्या करता बेचारा, वो भी भाई परेशान हो गया होगा काम के लिए। एक दिन जा रहा था, रास्ते से जा रहा था तो क्या देखा। जी हजूर बताइए जल्दी, क्या देखा भाई ने जरूर बताइए। एक खूबसूरत थैली उसे दिखी। अच्छा, उस थैली के अंदर क्या था प्लीज जरूर बताइए। खूबसूरत थैली, उसने उस थैली को उठा लिया। उस थैली के अंदर तो पैसा होगा। जब थैली को उठाया, खोल के देखा तो उसमें कीमती सोने का हार था। अल्लाह के रहम करम होगा कि इतना बड़ा कीमती चीज मिल गया। जैसे कीमती सोने का हार उसने देखा, जल्दी से जेब में रख, कोई देख न ले, जेब में रख लिया और घर पे आ गया। अच्छा, सोना चीज मिल के घर पे आ गया, आगे फरमाइए। रात भर उसे नींद नहीं आई कि यार इतना कीमती हार है, अल्लाह ताला ने तो हमारी सुन ली है। सब अल्लाह के रहम करम से उसको मिला है सोना, इतना कीमती हार मिल गया, इसको बेच लेंगे, अच्छी कीमत मिल जाएगी। जी सही फरमाया, सोना मिलने पर हर इंसान सोचता है इसको बेच के अच्छी कीमत मिल जाएगी, अच्छा घर बन जाएगा, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। इस तरीके से उसने रात भर ख्याली पुलाव बनाया और नींद नहीं आई। जब सुबह, साहब जी जब इंसान खुश रहता है तो नींद नहीं आती है। वही सुबह उठने के बाद उसने मुंह धोया, नाश्ता किया, तो घर से बाहर निकला तो एक बूढ़े बाबा थे। जी हाँ फरमाइए, बूढ़े बाबा क्या बोले उनको। बुजुर्ग थे, वो चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई किसी को मेरा हार अगर मिला हो तो वो मुझे दे दे। अच्छा, ये हार अंकल जी का था क्या, और आगे फरमाइए। मैं उसको 500 दिरहम दूंगा, 500 दिरहम दूंगा। अच्छा, सोना अंकल जी का था और इनाम भी देने के लिए बोल रहे थे। कोई मेरा कीमती हार अगर दे देता है तो मैं उसे 500 दिरहम दूंगा, लेकिन मेरा हार मुझे लौटा दे। देखते हैं वो बंदा हार लौटाता है कि नहीं, वीडियो बन रहे हैं। इसने सुना कि अरे ये हार इनका है, एक घड़ी इसके इसने ये सोचा कि हार न लौटाएं, फिर इसने सोचा कि यार उसमें मेरा तो कुछ है नहीं, ये हार मेरा नहीं है, मुझे तो पड़ा मिला था, अब इसका मालिक भी इसे तलाश कर रहा है तो अब इस हार को लौटा देना चाहिए। तो उसने क्या किया, उस बूढ़े बाबा के पास गया, बाबा वो हार मेरे पास है आपका। वो बाबा तो खुश हो गया होगा, बहुत खुश हो गया होगा। अच्छा मुझे ये बता दें, उस हार का थोड़ा सा हुलिया बता दें कि किस तरीके का वो हार था, अगर आपका होगा तो आप उसकी हुलिया बता देंगे और फिर मुझे आपको देने में आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छा उन्होंने बात बोला बाबा जी को। अच्छा मैं क्या समझूं कि आपका है किसी और का है। उसने कहा ठीक है बेटा, इस तरीके का हार है। कहा बाबा बिल्कुल आपने ठीक बताया, मेरे पास बंदा ईमानदार होगा इसीलिए दे दिया, बहुत अच्छा आदमी हार है। अंदर गया, हार लेके आया, बूढ़े बुजुर्ग को दे दिया, बाबा ले जाइए आप। कहा बेटा 500 दिरहम ले लो। कहा बाबा नहीं, ये हार आपका और मेरा इसमें क्या है, 500 दिरहम आपके, हार आपका, मैं तो कुछ नहीं, बस जा रहा था, पड़ा मिल गया, बस जाइए अल्लाह की रजा के लिए मैंने आपको दे दिया है। आप बहुत ईमानदार बंदा था, वापस कर दिया मेरे लिए, बस दुआ कर दे। गरीब इंसान था, हाँ गरीब इंसान था,
काम की तलाश में रोज जाता आता जाता आता, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। अच्छा हार इसको मिल गई, ये चाहता अगर उसको बेचकर अच्छा खासा इसे पैसा मिल जाता, घर भी बन जाता, सारी चीजें हो जाती। जी सही फरमाया, लेकिन वो ईमानदार था। लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, अल्लाह की रजा के लिए उस हार को, जिसका हकदार जो था, उस हार का जो मालिक था, उसको दे दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ आगे फरमाइए। और कहा जाओ अल्लाह की रजा के लिए, जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है फिर अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकतें अता फरमाता है। जी हजूर आपने सही फरमाया। और जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसको इतना उरूज अता फरमा देता है और उसको इतना अता फरमा देता है कि उसके दामन छोटे पड़ जाते। जी हजूर आपने सही फरमाया। तो वो हार जो था उसने वापस किया। जी वापस करके फिर उसके बाद क्या हुआ बताइए। और फिर एक दिन दिल में ख्याल आया कि यार अब क्या करें, कोई पैसे भी नहीं है ज्यादा पास में और काम भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, दरिया के उस पार देखते हैं, हो सकता है कोई काम मिल जाए। जी सही फरमाया, उस पार जाके कुछ काम मिल जाएगा। तो दरिया में अब उसने क्या किया, अपने कपड़े रखे जो भी थे, एक दो जोड़ कपड़े रखे, बैग तैयार किया और दरिया में कश्ती में सवार हो गया और दरिया पार करने लगा। अच्छा फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं उधर, कौन सी काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि दरिया के बीचों बीच में जब पहुंचता है तो तूफान आ जाता है। अच्छा जब तूफान आया होगा तो उसका हालत बहुत बुरा हो गया होगा, आगे फरमाइए। जब तूफान आया तो अब जो कश्ती थी वो इधर से उधर, जब तूफान में इधर से उधर हुई तो सारे लोग, कोई इधर गया कोई उधर, और ये भी जाके दूर गिरा और डूबने लगा, तो क्या देखते हैं तख्ता इसे मिल गया, तख्ते को पकड़ा। अब तो मौजों के सहारे था, जिधर मौजें जाती उधर ये चला जाता। चलते चलते एक जजीरे के करीब से लग गया। अच्छा लग जाने के बाद आगे फरमाइए। जल्दी से जजीरे पर चढ़ गए, होते ना वो समंदर दरियाओं के बीच में जजीरे होते हैं, लोग उसमें रहते भी हैं, हाँ लोग उसमें रहा करते हैं। तो ये उस जजीरे में चला गया, भूख भी लगी थी, चलता अंदर चला गया। चलते चलते क्या देखा कि एक बस्ती देखी, छोटी सी बस्ती थी। अच्छा छोटी सी बस्ती देखी तो उसमें क्या पाया बताइए आगे। उसमें एक मस्जिद भी बनी देखी, एक मस्जिद बनी हुई। अब जल्दी से ये गया मस्जिद के अंदर, इसने वुजू बनाया और नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अच्छा कुरान पढ़ना चालू कर दिया और आगे बताइए। कुरान बुलंद आवाज से पढ़ने लगा, कुरान का अच्छा कारी था, हाफिज था। कुरान की जब तिलावत शुरू की तो लोग इसकी तरफ खींचे चले आए। कुरान पढ़ने में बहुत अच्छी तरह से पढ़ता होगा। कुरान की तिलावत सुनकर लोग जब इसकी तरफ खींचे चले आए तो उसने देखा सारे लोगों का हुजूम। लोग पूछने लगे कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। जी हाँ अनजान शहर में जाने के बाद इंसान जरूर पूछता है कहाँ से आए हो। उसने कहा कि मैं फुला फुला जगह का हूँ, जा रहा था समंदर में, दरिया में तूफान आया, कश्ती भी टूट गई और इस तरीके से इस जगह पर आ गया हूँ, तो अब बस नमाज अदा की है, अभी बैठे हुए हैं। तो जी आगे फरमाइए, लोगों ने उनको क्या कहा। लोगों ने इसको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद कहा बेटा अगर आप यहाँ आ ही गए हैं, आपकी आवाज अच्छी है, करत अच्छी है, तिलावत अच्छी करते हैं, आप हमारे बच्चों को पढ़ा दें। जी चलिए भाई साहब को काम लग गई बच्चों पढ़ाने के लिए, नमाज भी पढ़ाएं और हमारे बच्चों को दर्स भी दे दिया करें ताकि ये भी कुरान के अच्छे कारी बन जाएं। जी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे आइडिया आप लोग का अंदर आया। उसने कहा जैसी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। अब ये क्या करता कि रोज वहां पर उन लोगों को पढ़ाने लगा, उनके बच्चों को ये दर्स देने लगा। इसने अच्छा कारी बना दिया उन बच्चों को कुछ दिनों में, और थोड़े दिनों के बाद ये लिखना भी उनको सिखाने लगा कि बेटा इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा लोगों ने देखा कि कारी भी अच्छा है और कातिब भी अच्छा है, लिखता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है। तो लोगों ने क्या कहा कि बेटा आप तो बहुत अच्छे हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, अपने कारी भी बना दिया है, कातिब भी बना दिया है, ना आप शादी कर लें। अच्छा जी शादी के बाद तक आ गई, आगे फरमाइए। मेरे मुझसे शादी कौन करेगा, मैं अब क्या बताऊं आपको, मुझसे शादी कौन करेगा। अरे साहब जी आपके लिए भी खुदा ने बनाया होगा लड़की। कैसा है हम लोग करवाएंगे आपकी शादी। उसका ठीक है अगर ऐसी बात है और आप लोग हमारी शादी करवा रहे हैं तो ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं आगे की हाफिज जी और क्या बोलने वाले हैं। अच्छा ठीक है। कहा बेटा बात यह है ना, एक लड़की है जो कि बहुत खूबसूरत है, हसीनो जमील है, लेकिन उसके माँ बाप नहीं है,
अच्छा जी, मैं समझ गया, अल्लाह ने उस लड़की के लिए ही इनको वहाँ पर भेजा है। अकेली है, उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन अच्छी सीरत की है, नेक खातून है, नेक लड़की है। उसने कहा ठीक है, अगर नेक है, अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, लड़की भी नेक चाहिए, अच्छी चाहिए, सही बोले आपने। आप शादी करवा देंगे आप लोग, जब इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं राजी हूँ। अब क्या हुआ, उस लड़की से इस लड़के की शादी करवा दी। अच्छा जी, शादी हो जाने के बाद और आगे बताइए क्या हुआ। शादी हो गई, शादी होने के बाद इसका एक घर बना दिया गया। जी हाँ, शादी हो जाने के बाद तो घर तो जरूर चाहिए रहने सहने के लिए। एक घर दे दिया गया, उसी में ये रहने लगा और उसी में इसने शादी की। बहुत खुशी की बात है कि ये घर भी मिल गया, लड़की भी मिल गया। बीवी को जब कमरे में लोग छोड़ के आए, तो फिर ये भी बाद में जब कमरे में गया, तो इसने जैसे ही बीवी का घूंघट उठाया। अच्छा जी, बीवी घूंघट उठाए तो क्या पाया, आप जरूर बताइए। जैसे ही घूंघट उठाया, चीख के दरवाजे के बाहर निकला। लोग आए, बेटा क्या बात है, आप इस कदर चीख के बाहर क्यों निकले। जी जल्दी जल्दी बताइए साहब, क्या है, क्यों निकले बाहर। कहा मैं इसलिए चीखा हूं, मैंने एक अजीब चीज देखी। कहा आपने अजीब चीज देखी, क्या देखा। जी साहब जल्दी बताइए, आपने क्या देखा, जल्दी फरमाइए। कहा मैंने ये देखा कि उस लड़की के गले में एक सोने का हार पड़ा था। अच्छा जी, सोने का हार पड़ा था, आगे फरमाइए। वो हार क्या है, कैसे क्या, उसने पूरी कहानी अपनी बताई कि मुझे वो पड़ा मिला था, एक बुजुर्ग आए थे, ऐसा वैसा पूरी कहानी सुनाई, तो लोग सुभान अल्लाह माशाल्लाह इस तरीके की सदाएं बुलंद करने लगे। अच्छा जी, फिर सोने का हार किसकी थी, बताइए। उसने कहा अच्छी बात है, आप लोग बोल रहे हैं, पर ये क्यों बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो लोगों ने बताया, बेटा बात ऐसी थी, हम लोग सुभान अल्लाह माशाल्लाह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बच्ची का बाप जो था, जो तेरी खातून, तेरी बीवी जो बन गई है, इसका जो बाप था बड़ा नेक सीरत आदमी था। अच्छा, लड़की का बाप बहुत नेक था, बड़ा अच्छा नेक आदमी था। उसका एक मर्तबा हार गुम हो गया था, और हार तो तुझे मिला था बेटा, जैसे कि तूने अभी बताया, तो हार तुझे मिला था, तो वो वापस आया और वो तेरी तलाश में काफी घूमा कि तू उसे मिल जाए, लेकिन तू उसे मिला नहीं। वो यहां महल्ले वालों से कहता था कि अगर वो लड़का मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा। अच्छा, ऐसा बात है क्या, आगे फरमाइए। अगर वो लड़का मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा, लेकिन उसकी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी, उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसका इंतकाल हो गया। आज तेरी शादी उसी की मर्जी से, यानी जो वो तमन्ना रखता था, उसकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली, और तू कैसे 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 होके इस जगह पे आ गया और उसी की लड़की के साथ तेरी शादी हो गई। अल्लाह बहुत बड़ा है, जो चाहते वही होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जो कुछ करता है हमारे हक में बेहतर होता है, बेहतर होता है। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, अब क्या हुआ, उसके दो बच्चे भी हुए, दो बच्चों की पैदाइश हुई। अच्छा जी, दो बच्चे के माँ बन गई, बाप बन गए, यानी इसके दो बच्चे हुए इसी लड़की से, इसी औरत से। फिर क्या हुआ कि उस औरत का इंतकाल हो गया, वो हार इन बच्चों को मिल गए। फिर क्या हुआ, इन दो बच्चों का भी इंतकाल हो गया, इन दोनों बच्चों का इंतकाल हुआ, फिर हार इसके पास आ गया, यानी इसे पड़ा हुआ मिला था। अब ये चाहता अपने पास रख लेता, लेकिन गुनाहगार होता। इसने अपने पास ना रख के अल्लाह की रजा के लिए उसके मालिक को उसे वापस कर दिया, तो अल्लाह ताला ने यही हार उसको वापस कर दिया। ये जो आपने बयान फरमाया बहुत अच्छा बयान है। ये होता है हराम और हलाल, ये दोनों चीजें बहुत करीब करीब चलती हैं। थोड़ा सा इधर गए तो हराम की तरफ आ गए, थोड़ा सा इधर आए तो हलाल की तरफ आ गए। जी हजूर, सही फरमाया आपने। तो अल्लाह ताला हमें हराम कामों से बचाए, अल्लाह ताला हमें हलाल खाने अता फरमाए, हलाल कमाई अता फरमाए, हलाल काम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, रहमतुल्लाहि बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ सभी मुसलमान भाइयों को ये हाफिज़ जी के बयान बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह नए से नए बयान सुनने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे दोस्तों को मिलेंगे अगला वीडियो में, जब तक अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना।